हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 9 और इस समय अधवे के चल रहे हैं ईस्टर वेकेशन, तो मॉर्निंग थोड़ा सा लेट होती है और दिन की शुरुआत हो रही है आज एक ग्लास पानी के साथ। और वेदर काफ़ी अच्छा है तो विंडो के पास बैठ के मैं इंजॉय कर रही थी। और ये यहाँ अधवे भी उठ के आ चुका है और यहाँ पे आके दिखा रहा है अद्वे मुझे थोड़ा सा प्यार। और ये जो प्यार करने की आज थोड़ा सा स्पेशल वजह है, आज है मेरा बर्थडे और यहाँ पे अद्वे मुझे कर रहा है बर्थडे विश। और सुबह सुबह मुझे मिल गई अद्वे की बर्थडे विश, तो दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई। और अब हो चुका है नाश्ते का टाइम और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अलग सा कुछ नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैंने बनाने जा रही हूँ सूजी के बॉल्स। ये मैंने कहीं यूट्यूब में देखा था और काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रही थी और काफ़ी इजी लगा था, तो मैंने आज सोचा कि इसे ट्राई करती हूँ। थोड़े से ऑयल में हींग, मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला है और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें 3 कप पानी डाला था और उसके बाद मैंने उसमें नमक और चिली फ्लेक्स डाल दिया था। पानी को अच्छे से बॉयल होने के बाद इसमें मैंने 2 कप सूजी ऐड की है और सूजी को ऐसा थिक फॉर्म में आने देना है, गाढ़ा होने देना है, इसका ये डो बन जाएगा। और इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद हम इसको छोटे छोटे बॉल्स में रेडी कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी सारी बॉल्स हैं वो हो चुकी हैं रेडी और अब हमें एक पैन में पानी बॉईल करने रखना है और इसे हमें प्रॉपरली स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल को स्टीम करने रख दिया और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने और धनिया पत्ती की बहुत ही टेस्टी सी चटनी जो कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने मिर्च, पुदीना, धनिया पत्ती, नमक, दही और शुगर ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पतला रखना है इसे और यहाँ पे ये मेरी चटनी रेडी हो चुकी है और साथ ही साथ ये मेरे जो बॉल्स थे वो भी स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने क्रस्ट, कोकोनट, वाइट वाली तिली और मिर्च और इसको 2 मिनट के लिए ही रखना है। और यहाँ पे जो मेरा नाश्ता था वो हो चुका था रेडी और बिलीव मानिए टेस्ट में बहुत अच्छा था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और नाश्ते के बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ भगवान की पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने। के लाइफ रूटीन में होता है कि हम जिस भी भगवान को मानते हैं या जिसकी भी पूजा करते हैं उन्हें याद करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे अद्वे मुझे अपने साथ नीचे ले जाने आया है। काफ़ी टाइम से इन लोगों ने मुझे रूम में रहने बोला था और कुछ तो प्लान कर रहे थे और शायद इनकी प्लानिंग हो चुकी है। OMG, इतना सारा गिफ्ट किसके लिए भाई? और पैक किसने किया ये गिफ्ट? आपको दिखाना है ये सब क्या है अद्वे, क्या है ये सब? आपको पता है क्या है? क्या है ये? आपको बर्थडे। मेरा बर्थडे है? मुझे तो लग रहा है अद्वे का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे अद्वे। वाओ अद्वे प्लांट है ना, ये बर्थडे कार्ड है। किसने लिखा है बर्थडे कार्ड? मैंने। देखो इसको नीचे रख दूं मैं? हाँ नीचे। याविका मम्मा। ओ आप मुझे याविका बोल रहे हो? हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मदर। हू मेड दिस केक? मैंने। ये वेरी ब्यूटीफुल है। आई मैन जस्ट आई मैन। अब मुझे पता है कैसे ओपन करना। पापा ने? ओके। और नेक्स्ट वन इसको मैं साइड में रखती हूँ अभी। मैंने ये वाला चूज किया। हाँ ये वाला मैंने चूज किया। मैंने ये वाला चूज किया। तो आगे ये वाला चूज किया, दिखाओ आगे। पैक किसने किया अद्वे? मैं, पापा ने। पापा ने? अद्वे ने भी पैक किया क्या? हाँ बेटे ने मुझे पैक किया। सो ये भी पैक हुआ है? ओह माय गुडनेस अद्वे। देखो दिस आर टू पैक्स। ओह नाइस अद्वे, नाइस नाइस। हाँ लेके आया। वेरी नाइस अद्वे। ये और है? ओके। इज दिस फ्रॉम अद्वे? कम सिट। मैं ओपन
This is a big one, Baba. Oh, Ajre, what is this? Monkey. Hello. ये किसने चूज किया है मेरे लिए? आपने दिया है? तो Hello. मैं बता दूँ ना, ये जो ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है, this gift from Advay, ये Advay ने चूज किया है. थैंक यू पापा एंड Advay फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. और मुझे सबसे नाइस ये वाला गिफ्ट लगा है. और यहाँ पे एक और पार्सल है जो 2 दिन से आया हुआ है, पर मुझे बोला गया था कि ये मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही ओपन करूँ. तो यहाँ पे ये पैक्ड है और मुझे आइडिया है कि इसमें क्या है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है. तो यहाँ पे मेरे लिए शूज़ ऑर्डर किए गए हैं और काफ़ी टाइम से मुझे नए शूज़ चाहिए थे, मैंने बता के रखा था. तो ये जो शूज़ है वो मेरे लिए आ चुके हैं और अभी देखते हैं इसको कि कैसे हैं ये. तो ये है फर्स्ट पेयर और वाइट कलर में मैंने दोनों शूज़ ऑर्डर किए हुए हैं, पर इसका थोड़ा सा स्टाइल अलग है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. अभी इसे मैं ट्राई भी कर लूँगी कि फ़िटिंग वगैरह इसका कैसा है. और इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें ना 3 टाइप की लेसेस आई हैं, वाइट, रेड एंड 3rd है ब्लू. तो मैं इन्हें डिफरेंट टाइप से स्टाइल कर सकती हूँ, लेसेस को चेंज करके इसका थोड़ा लुक मैं चेंज कर सकती हूँ. तो ये जो शूज़ है वो लुक वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैं जल्दी इसे ट्राई करके भी देख लूँगी कि इसका फिटिंग प्रॉपर है या नहीं है. और यहाँ पे अभी मेरे शूज़ देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है और माउथ हगन बजा के मुझे इंटरटेन कर रहा है. और ये रहा मेरा दूसरा पेयर ऑफ शूज़. इसका कलर भी वाइट है, पर थोड़ा सा इसका स्टाइल और उसका स्टाइल डिफरेंट है और लुक वाइज मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और बस अब मुझे लग रहा है कि मैं इसे पहन के देखूँ इसकी फ़िटिंग कैसी है. तो ये मैंने 1st वाला ट्राई किया है, फ़िटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कम्फर्टेबल है और लुक में भी मुझे अच्छा लग रहा है. और ये है दूसरा वाला शूज़, इसका भी फिटिंग काफ़ी अच्छा है और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो ये भी लुक वाइज अच्छा लग रहा है. तो मैंने ये दोनों शूज़ को कर दिया है फाइनल और इस बार बर्थडे में मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले. और Advay ने यहाँ पे इस बर्थडे में गिफ्ट चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था वो मेरे लिए गिफ्ट बाय करने में, ऐसा मुझे इन्होंने बताया है. और यहाँ पे अब Advay सारी चीज़ों को कर रहा है पैक. तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ जो इन लोगों ने मुझे प्लांट गिफ्ट दिया था उसको प्लांट करने, और तुरंत मैं इसे प्लांट कर देती हूँ जिससे मैं इसमें प्रॉपरली पानी दे सकूँ और इसको धूप दिखा सकूँ, जिससे ये जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. और ये जो फ्लावर है और ये जो प्लांट है ये सच में बहुत सुंदर है, ये मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद है और इसके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. तो इस ये बात इन्हें पता थी और उन्होंने यही प्लांट चूज़ किया. और Advay ने काफ़ी हेल्प की है उनकी इस चीज़ में, क्योंकि Advay ने ही आइडिया दिया था कि मम्मा को प्लांट्स पसंद है तो हम मम्मा को प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं. और फिर इन्होंने ये प्लांट चूज़ किया और इसको मैंने अभी रख दिया है उसके प्रॉपर प्लेस में. और ये है जहाँ पे मैंने छोटा सा अपना गार्डन बना के रखा हुआ है और ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है. और इस बर्थडे में हम ज़्यादा भी कुछ करने नहीं वाले क्योंकि हम सब हैं थोड़ा थोड़ा बीमार, तो बर्थडे सेलिब्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीक. और अभी हो चुकी थी शाम, आजकल शाम थोड़ा लेट होने लगी है क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे जा रही है. और यहाँ पे सारे जो पेड़ है ना उस समय अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, तो अभी वाइट कलर के आए हैं और Advay को मैं यहाँ नीचे घुमाने लेके आ गई थी. और इसी के साथ मैं अब अपने व्लॉग को एंड करती हूँ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.